120 रुपये। अरे यार सिंगल गए सवारी नहीं बैठता फिर कोई सवार। कटवानी साइड है ना बस स्टैंड से आ गए। हाँ हम मिलते हैं कटवानी बोल सकते हैं। कितने ले रहे हो कुंजों के पैसे? कितने किलोमीटर का कुंजुनी है? किलोमीटर का क्या रेट सरकार ने तय किया है? सर 10 रुपये, जैसे हम भगवती नगर जाते हैं तो 30 रुपये सवारी लेते हैं, कोई 20 रुपये देता है। जीवल जाते हैं तो जीवल से कोई 4 सवारी जाते हैं, कोई 80 कोई 100 रुपये। सरकार ने पूरी ऑटो का क्या रेट तय किया है? वही है ना, ये लोग यहाँ पे मनमानी मनमानी। कितना रेट तय किया सरकार ने? मैं सर आर्मी पर्सन हूँ। अच्छा, यह मेरा आई कार्ड। जी जी ठीक है, मैं फौज में सुल्तान हूँ। लेकिन यहाँ जो भी हैं टेम्पू वाले जो भी हैं, आपको कहाँ जाना है? मैं बेटी मेरी चंडीगढ़ पढ़ती है, हम गए थे वैष्णो देवी। अच्छा, मेरे बच्चे का मुंडन था। अच्छा, तो हम तो बना अभी आपने बेटी को भेजना है? भाई बेटी को भेजना। कहाँ से मिलेगी आपको गाड़ी? तो कुंजौली बाईपास से। तो स्लीपर आइटम पे वो निकलेगी ना अभी? मतलब वो वाली गाड़ी। तो आप कुंजौली बाईपास क्यों नहीं लेके जाओगे? तो सर मैं आया अभी अभी आ रहा जा रहा हूँ। मना तो नहीं कर सकते किसी? नहीं नहीं सर मना तो नहीं। तो बिठाओ तो ले लो जितने पैसे बनते हैं। सवारी एक सवारी बिठाने की क्या दिक्कत है? ये तो कानूनी ऑर्डर है कि भाई एक ऑटो का 10 रुपया रेट है, एक पैसेंजर का 10 रुपया रेट नहीं है, एक ऑटो का 10 रुपया। कितने आगे तक सर? एक किलोमीटर का 10 रुपया। हम यहाँ से देखते हैं रेलवे से कुंजवनी कितना बनता है, तो जितना बनेगा 10 रुपये के हिसाब से तुम ले लो, इसमें क्या दिक्कत है ना? पाँच किलोमीटर है? हाँ मैंने 5 ही। तो 5 किलोमीटर के कितने पैसे बने? 50 रुपये बने। तो फिर मेरा निकाला हुआ रेट नहीं है? नहीं, अब आप कहोगे ऑर्डर क्या कहते हैं है ही नहीं। नहीं नहीं सर, जो होगा वो तो मानना पड़ेगा। क्या तारीख लिखी है इसके ऊपर? 12। आगे क्या लिखा है? 12/7/2007 क्या होता है? जुलाई। हाँ 12 जुलाई 2024 क्या लिखा है ऊपर? सर मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं है। इधर लिखा हुआ है फिक्स चार्ज ₹10 पर किलोमीटर पर व्हीकल, 10 रुपया फी किलोमीटर हर गाड़ी का। आगे लिखा है RTO को और ARTO को कि एक पैसेंजर कितना देगा स्टॉप का, वो आप तय कर लो। यानी अगर आप इस गाड़ी में 6 सवारी बिठाते हो, एक स्टॉप का एक सवारी को कितना पैसा देना होगा वो तय नहीं हुआ है। अभी तय सिर्फ यही हुआ कि गाड़ी का 10 रुपया देना है। अब मुझे बताओ, अगर गाड़ी का 10 रुपया देना है तो इस गाड़ी के यहाँ से कुंजवनी जाने तक के कितने पैसे बने? बने 50 रुपये कि नहीं? अब अगर 50 रुपये बने तो आप 120 कैसे बोल रहे हो? दुगना भी नहीं बोल रहे हो। 130 बोले ना। 130 150 और कितना बोला? 130 बोले ना। मैंने ये भी स्टूडेंट है, बेटी भी मेरी स्टूडेंट है, ऐसी कोई बात वो नहीं है कि स्टूडेंट है। और आप लोग यहाँ पे मनमानी बहुत ज़्यादा करते हो, और हम अपने फौजी वाले उसके नहीं होते हैं, क्योंकि देखो हम किसी को वो नहीं करना चाहते, ठीक है? लेकिन आप लोग क्या करते हैं, मजबूरी का नाजायज फायदा उठाते हैं आप। अब ये आप सामने देख रहे हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है, और मज़ेदार देखिए मजाक कानून का कितना बड़ा हो रहा है। सामने पुलिस पोस्ट है, सामने GRP वेस्ट की पोस्ट है, वो पुलिसकर्मियों के पास आ जाएगी, वो यहाँ आकर राजी नहीं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी उस खंभे से यहाँ आकर राजी नहीं, और यहाँ जो दो ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े थे जिस समय में यहाँ आया था, वो भी भाग गए और उस तरफ चले गए। और उन्हें जब मैंने कहा कि आपका काम एनफोर्समेंट का है, अगर ये लोग कानून का पालन नहीं करते, चलान करने का काम आपका है, इनको सही रेट पे चलवाने का काम आपका है, उन्होंने कहा ये काम हमारा नहीं है। तो फिर आप सोचिए, जो लोग बाहर से आते हैं जिनकी ओवर चार्जिंग होती है, उन लोगों के पास जाने का रास्ता क्या है? पुलिस वहाँ से यहाँ तक हिल के राजी नहीं। ट्रैफिक पुलिस वाले इनको देख के जाए डरते हैं इनसे, ई रिक्शा वालों से, या क्या चक्कर है इसके चलते फौरन भाग जाते हैं यहाँ से। कारण क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन हैरानगी की बात यह है पुलिस की मौजूदगी में, ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में ये कैमरा यहाँ पर लगा हुआ। देखिए ये PCR का कैमरा है, इस PCR के कैमरे को जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर से देखा जा रहा है कि क्या एक्टिविटी हो रही है, लेकिन ना आप कोई फ्लाइंग देखेंगे यहाँ पर, ना कोई PCR देखेंगे यहाँ पर। ये
वो हकीकत है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि ई रिक्शा को लेकर जो सिलसिला यहां शुरू हुआ है, जिसमें काले पीले ऑटो के लिए रास्ता बंद कर दिया गया, नतीजा अब ये निकला है उसका कि ई रिक्शा वाले किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। उनके अपने रेट है, आपने उस रेट से चलना है तो ठीक, नहीं चलना है तो वो दादागिरी करेंगे, आपको डराएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको बताएंगे कि हम ये हैं, हम वो हैं। किनके हैं ये ई रिक्शा, कौन इनके मालिक हैं और कैसे इनमें इतनी हिम्मत आती है कि ये डराते और धमकाते हैं, ये बड़ा सवाल है।